हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, उसके बारे में डिस्कशन करने जाने वाले। एक्टिव वर्ल्ड चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो सोशल साइंस के डाले हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में भी वीडियो बन चुके हैं, सभी चैप्टर के बन चुके हैं। आज हम अब एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, राइट। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि इस चैप्टर में पहले आ रहा है आर्ट क्ले वर्क। तो इंसान जो था वो पहले से एंशियंट टाइम से ही लिंक है क्ले के साथ। वो जैसे मेटल की पहले जो रिसर्च हुई थी उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बनाता था, जैसे कि टॉयज, पॉट्स, पिक्चर, अर्थन लैम्प, क्ले स्टोव, क्ले वेयर्स मेड बाय द पॉटर्स, ये सभी बहुत सारी चीज़ें वो बनाता था। वो कि उसमें क्या करता था वो, तो कि उसमें मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क और सब कुछ स्टोर करता था। किचन वेयर्स की जो मोस्ट ऑफ आइटम जो रहती थी वो मिट्टी की बनी हुई होती थी, और घर के जो दीवार रहती थी हट्स रहते थे काउ डंग और क्ले का उसमें यूज़ होता था, उसकी पेस्ट का यूज़ होता था। फिर ये सब कुछ कहाँ पे देखने को मिला, तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पन कल्चर में भी और लोथल के अंदर भी ये सब कुछ देखने को मिला है। और इन प्रेजेंट टाइम्स वी कैन ऑल्सो सी द गरबा, मतलब जो भी गरबा हम जो देखते हैं नवरात्रि के अंदर, वहाँ पर भी ये क्ले वर्क देखने को मिलता है। फिर इंडिया जो है वो बैकडोर यूटेंसिल के लिए भी फेमस है, जो बैकडोर क्ले में से बनाई जाती है। और दूसरा है टेराकोटा नाम की जो अनबैग्ड क्ले आती है, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें बनती थी पहले के ज़माने में। अभी इनका जो है कहीं कहीं पे हैंडमेड क्ले यूटेंसिल देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहाँ पर ये देखने को मिला था, तो नागा अर्जुन कोंडा जो साउथ इंडिया में है, लागनज महसाना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी देखने को मिला था। नेक्स्ट में है आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ लॉन्ग मेकिंग थ्रेड्स। मतलब कि यहाँ पे कॉटन का कोई पीस होगा, उसमें से हम जब उसको कॉटन के धागे को मिक्स करके जो कपड़ा बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्पिनिंग करना बोलते हैं। ये गांधी जी ने भी सिखाया था कि उसको भी, मतलब गांधी जी ने उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया था कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में। और उसने क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि वो स्वदेशी यूज़ करना चाहते थे कि स्वदेशी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, और सेल्फ रिलायंट भी बनाना चाहते थे इंडिया के लोगों को, क्योंकि वही मूवमेंट उनको फ्रीडम मूवमेंट में काम आएगी और वही एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगी। उसके बाद है हैंड वीविंग। तो पहले के टाइम पे इंडिया में जो टेक्सटाइल जो फेमस था, वो इसलिए फेमस था क्योंकि तब इट इज़ वेल नोन दैट होल पीस ऑफ द क्लॉथ ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ मसलिन ऑफ ढाका एंड कुड इजिली पास थ्रू द रिंग एंड कुड बी एडजस्टेड इन मैच बॉक्स। मतलब कि यहाँ पे वो मसलिन का जो धागा जो होगा वो आसानी से रिंग के अंदर से पास हो जाता है, और वो उसमें से क्या बन जाता है, कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, जैसे कि गालीचा बना सकते हैं, ठीक है। निटिंग वर्क जो था वो आर्टिस्ट्रीज फेमस था उसमें, और वो प्रोमिनेंट प्लेस पे उसका यूज़ भी हुआ है, जैसे कि पाटन के पटोला है, कांजीवरम है, और बनारसी साड़ी जो है बांधनी है राजस्थान की, वो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बताता है। अभी जो सोलंकी एरा या सोलंकी काल में गुजरात के अंदर भी ये ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली थी निटिंग वर्क के अंदर। और जब सिद्धरा जयसी का टाइम चल रहा था तब भी वीवर देखने को आए थे और पाटन में जाके बसे थे। पाटन के पटोला जो वो तो वर्ल्ड फेमस हो गई, और उनकी स्किल जो है वो बहुत पुरानी भी थी, और ये 850 साल पुरानी थी। और सिल्क जो बनाया गया था पाटन में जो प्रोड्यूस होती थी, उसलिए उसको पाटन का पटोला बोला जाता था। एक तरह का मतलब होता है बीबी, ठीक है। और इस तरह से साड़ी जो डिज़ाइन होती थी कि वो कोई भी साइड से हम पहन सकते थे उनको। और ये जो वैरायटी थी वो गुड ड्यूरेबिलिटी वाली थी, ओरिजिनल कलर उसका रहता ही था उसमें, और यही उसका रेफरेंस था। और पड़ी, इसलिए कोई ने बताया है एक बात, पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फिटे नहीं। मतलब कि एक ऐसी कहानी है कि अगर हम रियल में देखें तो अगर ये साड़ी जो कोई पहनेगा तो उसकी चमक, मतलब जो कलर जो रहेगा वो निकलेगा नहीं। इसलिए जो डिज़ाइन है वो पटोला की शेल नेवर फेड, कभी फेड होती नहीं है, भले वो फट जाएगी लेकिन वो उसका कलर उसमें से निकलेगा नहीं।
लेदर इंडस्ट्री जो है, लेदर इंडस्ट्री में डेड एनिमल में से जो हमारे इंडिया में उसका बहुत सारा यूज़ होता है। और ये जो एनिमल की मौत होने के बाद उसका ट्रेडिशनल मैनर पे यूज़ किया जाता है। लेदर वॉज जो उसका दूसरा यूज़ ये भी है कि उसमें से मशक बनाई जाती है, और जैसे कि हम इसको हम रेगिस्तान में लेके जा सकते हैं, कोस बना सकते हैं, ड्रम बना सकते हैं, ढोलक बना सकते हैं, तबला बना सकते हैं, तो ये सभी बहुत सारे फुटवेयर भी बना सकते हैं इससे। लेदर बेल्ट बनाया जाता है। और ये दूसरा उसका यूज़ ये भी दिया है कि हम इसको शील्ड बनाने में भी युद्ध में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो डायमंड वर्क है उसमें आपको ये पूछेगा कि इंडिया के कोस्ट लाइन जो है वो कितनी लंबी है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें कि डायमंड वर्क इंडिया में इसलिए फेमस है कि जो दो वर्ल्ड के दो फेमस डायमंड जो थे, कोहिनूर और ग्रेट मुगल वाला, ठीक है, वो इंडिया का ही था। और अभी तो पता है हमें कि वो इंग्लैंड में चला गया है, लेकिन इंडिया के लोग डायमंड के शौकीन है रहे पहले से ही। ऑर्नामेंट्स के अंदर, गहने के अंदर भी लोगों को डायमंड पहनना पसंद है, और ज्वेलरी का यह हिस्सा रहा है डायमंड, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अंदर भी डाला जाता है। डायमंड, रूबीज, बीड्स, एमराल्ड और टोपाज जो है वो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है। और क्राउन के अंदर भी, और ज्वेलरीज के अंदर, ब्रेसलेट के अंदर भी इसका यूज़ होता है। बीड वर्क जो है वो गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर भी ये देखा जाता है। फिर तोरण बनाते हैं हम, पॉट्स, डोर ग्रिल बनाते हैं, चकड़ा बनाते हैं, इंडोनी बनाते हैं, मोडिया बनाते हैं, उसके अंदर भी डायमंड वर्क देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है वो जरी वर्क है। जरी वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेटल वर्क भी नहीं है, वुडन आर्ट, वुडन आर्ट इम्पोर्टेंट है। वो पूछते हैं मैनी ट्रीज और फॉरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएट है, क्योंकि मतलब मैन, इंसान और ट्रीज एक दूसरे के साथ क्यों लिंक है, क्योंकि पहले से इंसान लकड़ियों का इस्तेमाल आग जलाने में करता आया है, उसमें से अलग टाइप के हथियार बनाता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, आइडल बनाने में यूज होता है, खिलौने बनाने में यूज होता है, वुडन पिलर है, विंडो है, टेरेस, थ्रोन, चेयर, ग्रिल, ये सब कुछ भी उससे बनता है, ठीक है। और इस तरह से वुड कार्विंग जो है वो डेवलप हुआ था। वुडन फर्नीचर आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, जैसे स्विंग एंड इधर के जो टॉयज है, संखेड़ा में देखने को मिलता है, ये इंडिया गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इनले वर्क जो है वो बहुत पुराना माना जाता है। इंडियन राजा जो थे, इंडियन किंग, एम्परर, रूरल रॉयल पीपल जो थे वो भी इसके शौकीन थे। नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन रिंग, नोज रिंग, दामनी, ये सब उससे इटी से वो लगाते थे। उसके अंदर ये डायमंड्स और पेयल रूबीज भी लगाते थे वो, ठीक है। तो आर्टिजन जो है वो इस टाइम पे एक्सपर्ट थे। बीकानेर जो राजस्थान का एरिया है उसमें ये बहुत ज़्यादा इनले वर्क उसके गहनों में देखने को मिलता है। अकीक वर्क भी जो है स्पेशली वो रिवर के आसपास के एरिया में देखने को मिला है। और उसमें अपने इंडिया गुजरात के अंदर बात करूँ तो ये स्टोन जो है वो खंभात भेजे जाते हैं, रामपुर और सूरत में ये मिलते हैं, उसके स्टोन खंबात में उसका ऑर्नामेंट्स, गहने बनाए जाते हैं, और बेट्स क्या बोलते हैं, बीट्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन वहाँ पे ही बनाए जाते हैं। पेंटिंग के अंदर बात करें तो हरप्पन कल्चर के अंदर 5000 ईयर का साल पुरानी पेंटिंग कल्चर जो अवेलेबल था उसका प्रूफ भी मिल चुका है। इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ने ये प्रूफ किया है, ठीक है। फिर भीम गेट बेट का जो एमपी के अंदर एक जगह है वहाँ पे एनिमल और बर्ड्स के पिक्चर पेंटिंग किए हुए मिले हुए हैं। अजंता एलोरा की केव्स में भी डियर के पिक्चर देखने को मिले हैं। स्वस्तिक पिक्चर, गणेश के, भगवान गणेश जो है उसके पिक्चर भी देखने को मिले हैं। और दूसरा ये ऑल ट्रेडिशन इंडिया का रहा है, क्योंकि लोग यहाँ के रंगोली के शौकीन हैं, ठीक है। और फिर फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।